सबसे सफल ऑलराउंडरों की अगर बात हो तो इस सूची में पहले पांच नामों में से एक नाम आता है भारत के रविंद्र जडेजा का। सौराष्ट्र के इस खिलाड़ी का आज जन्मदिन है और ये खिलाड़ी आज 29 साल का हो गया। मौजूदा ICC के टेस्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जडेजा दूसरे नंबर पर है। जडेजा के जन्मदिन पर जाने उनसे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। रविंद्र जडेजा 6 दिसंबर 1988 को एक राजपूत परिवार में जन्मे। उनके पिता अनिरुद्ध सिंह वॉचमैन थे तो वहीं उनकी माँ एक नर्स थी। जडेजा के पिता हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी स्कूल में पढ़े, लेकिन जडेजा को हमेशा से ही क्रिकेट से लगाव था। ऐसे समय में उनकी माँ ने उनका साथ दिया। उनकी माँ लता का साल 2005 में एक हादसे में निधन हो गया। इस हादसे के बाद जडेजा को काफी गहरा सदमा लगा। यहाँ तक कि यह वो दौर था जब जडेजा ने क्रिकेट छोड़ने का भी मन बना लिया था। ऐसे मुश्किल घड़ी में उनकी बहन ने परिवार को बखूबी संभाले रखा। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो दो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हो। उनमें से एक है रविंद्र जडेजा और दोनों ही बार भारत फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। हालांकि साल 2005 में भारत पाकिस्तान से हारा, लेकिन साल 2008 में विराट की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जडेजा ने अपना डेब्यू साल 2006-2007 के दिलीप ट्रॉफी से की। दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन से तो वही रणजी में सौराष्ट्र से खेलते हैं जडेजा। जडेजा भारत के पहले और विश्व के 8वें ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 या उससे ज्यादा ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। साल 2008-2009 रणजी सीजन में जडेजा ने 42 विकेट झटके और 739 रन ठोके। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। सीरीज के आखिरी मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला और पहले ही मैच में जडेजा ने नाबाद 60 रन ठोके। फरवरी 2013 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई और मेजबान भारत ने टेस्ट सीरीज पर 4-0 से कब्जा किया। इस सीरीज में जडेजा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। जडेजा ने कुल 24 विकेट लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा ने नाबाद 33 रन बनाए और 2 अहम विकेट लिए। भारत को चैंपियन बनाने में जडेजा का अहम योगदान रहा। अगस्त 2013 के ICC के वनडे गेंदबाज की रैंकिंग में जडेजा नंबर 1 पर पहुंच गए। अनिल कुंबले के बाद जडेजा ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज है। जडेजा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। साल 2016-17 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई, जहां जडेजा ने 12 टेस्ट में कुल 65 विकेट लिए। जडेजा को शेन वॉन रॉकस्टार कहकर बुलाते थे, तो वही शुरुआती दिनों में टीम इंडिया के खिलाड़ी उन्हें जड्डू कहा करते थे, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें इंटरनेट पर जल्द सर रविंद्र जडेजा की उपाधि दी गई। जडेजा को गाड़ियों का काफी शौक है। उनके पास ऑडी A4 और सुजुकी हायाबुसा जैसी गाड़ियां हैं। जडेजा ने अपने जामनगर वाले फार्म हाउस में गंगा और केसर नाम के 2 घोड़े भी पाले हैं। और तो और, जडेजा का राजकोट में जड्डूस फूड फील्ड नाम का एक रेस्टोरेंट भी है। इस साल अप्रैल के महीने में जडेजा जूनागढ़ के रीवा सोलंकी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। रविंद्र जडेजा को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और हम उम्मीद करते हैं वह ऐसे ही और बुलंदियों को छुए और भारतीय टीम को नए बुलंदियों तक पहुंचाए।